गाइस मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हैजी न्यूज में। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए क्रिकेट की तरफ से एक खबर जो कि छक्का उड़ा था और वो आदमी ने भी उड़ के उस छक्के को रोक लिया और इसके ऊपर विवाद चल रहा है, सवालों के बरसात हो रही है। चलिए जानते हैं एक्चुअली में ये मामला क्या है। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। हॉरिगेंस एंड ब्रिस्बेन के बीच में मैच हो रहा था T20 कप। आप लोग को पता है कि इंडिया में भी ये सब चीजें मैच होने वाले हैं बहुत जल्दी और आप लोग भी काफी ज्यादा बेताब हो गए। तो इन दोनों के बीच में मैच हो रहा था तो साथ ही ब्रिस्बेन जीत गए और आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैच होता तो आसानी से जीत और हार का पता चल जाता है, पर यहां पर एक और चीज को लेकर काफी बड़ा विवाद हो रहा है। एक छक्के को लेकर बहुत ही ज्यादा बड़ी बातें हो रही है, सवाल उठ रहे हैं क्रिकेटर्स के ऊपर। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। इसी मैच के दौरान रैनशॉ फील्डिंग पे खड़े थे, उसी दौरान ही दूसरी टीम के कप्तान छक्का मारते हैं और छक्का उनको पकड़ना होता है, वो बॉल पकड़नी होती है तब वो बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं। तो अगर बाउंड्री के अंदर होती है बॉल तो वो चौका माना जाता है, अगर बाउंड्री के बाहर होती है बॉल तो उसको छक्का माना जाता है। तो उसी दौरान जब वो बाउंड्री के बाहर चले जाते हैं तब वो उस छक्के को उड़ के पकड़ लेते हैं और पकड़ने के साथ ही साथ वो जमीन पे उनका पैर नहीं लगता है और जल्द से जल्द वो अपने प्लेयर को वो उस बॉल को पास कर देते हैं। और उसी दौरान ही वहां पर जो अंपायर रहता है वो इस चीज को आउट करार दे देता है। अभी इसके ऊपर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं बना है और ऐसे कैसे कोई, पहले तो छक्का है वो पहले ही बाउंड्री से बाहर चला गया और ऐसा कोई रूल नहीं है कि बाउंड्री से मतलब कि अंदर ही रहना या बाहर रहना है। तो वहां पर लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हुए हुए हैं। तो अभी क्रिकेट की दुनिया से एक खबर आई है, वहां पर अभी बड़े अधिकारियों ने ये चीज बोला है कि ये ऑलरेडी रूल है कि आप ऐसा नहीं है कि आप बॉल पकड़ते पकड़ते ही बाहर जा सकते हैं, नहीं, आप पहले ही बाहर जाके खड़े हो सकते हैं। और आप अगर किसी बॉल को आप सिक्सर्स है, अगर छक्का मार रहा है कोई, तो अगर उस वक्त आप कैच कर रहे हो तो अगर बाउंड्री के बाहर आपका मतलब कि वो पैर नीचे लग जाता है तो आउट नहीं होता है। अगर आप उड़ते उड़ते ही आपने पैर नीचे नहीं लगाया है फिर भी आपने कैच कर लिया है, फिर भी आप बाउंड्री के अंदर हो तो उसको करार दिया जाएगा कि आउट है। तो ये जो डिसीजन है ये सही डिसीजन लिया गया है, पर लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी उनके रूल्स बुक्स को ओपन करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस आप लोगों को जानकारी जान के काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और काफी ज्यादा अटपटा सा है, बहुत ही ज्यादा ये अटपटी सी बात हुई है कि क्रिकेट के एक सिक्सर के ऊपर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो गाइस आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या आपको इनके रूल्स के बारे में पता है कुछ, अगर कोई से भी रूल के बारे में आपको कंफ्यूजन है तो कौन सा है वो रूल जिनको आप चाहते हैं कि इस रूल को चेंज करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जाते जाते लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एच न्यूज़।